بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم एक मौजू जो आलम इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है शहादत रसूल समाम शे और तमाम शिया और सुन्नी का इस मौजू पर अजमा है कि आपकी शहादत हुई पहला मौजू और और दूसरा मौजू ये कि ये शहादत जहर के ज़रिए से हुई अब ये जहर किसने दिया कब दिया क्यों दिया ये एक अलग मौजू लेकिन हमारा असल मौजू यह है कि आपको शहीद किया गया जब शहीद किया गया तो हम अहल बहत सलाम के चाहने वाले आपकी यानी रसूल अलैहि वसल्लम की शहादत का ज़िक्र जोर शोर से करते हैं उनकी शहादत पर तमाम दुनिया तशैयों में गम मनाया जाता है लेकिन हमारे बरदरान सुन्नत, रसूल अलैहि वसल्लम को ना ही उमूमन शहीद कहते हैं और ना ही उनकी शहादत पर किसी कस्म का गम का इजहार करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की बात है और ना उनका कोई रोज़ मनाते हैं कि इस रोज़ या इस दिन आपकी शहादत वाक़ हुई बल्कि उमूमन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन परसेंट आपकी शहादत को छुपाते हैं और न फ़त्ति ये कि छुपाते हैं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद इनकार भी करती है अब उमूमन अगर कोई कत्ल हो जाए तो जिसको ख़तरा होता है के इल्जाम का वो तो कत्ल को छुपाता है वरना दुनिया में कोई भी अपने मकतूल के कत्ल को और अपने मकतूल के कतलों को नहीं छुपाता तो कुछ लोगों ने सवाल किया किसी से कि अहले तशै ये दावा करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया तो जवाब यह है कि अहल तशैयो ही ये दावा नहीं करते बल्कि तमाम अहल सुन्नत को भी ये दावा करना चाहिए हमारे इस गुफ्तु अनुमान है शहादत रसूल अल्लाह सल्ल वसम कुरान की निगा है अब इससे पहले कि इस मौजू को शुरू किया जाए एक तो जानब तवज्जो दिलाई जाए कुछ हज़रा बात तो इतिहाद की करते हैं लेकिन जब शी का जिक्र करते हैं तो उनको राफ़ज़ी कहते हैं और बाज दफ़ा वो ये भी कह चुके हैं कि अक्सर शिया राफज़ी हैं अब जो उनकी बाद में गुफ्तु आएगी या उन्हीं के हमनवा जब गुफ्तु करेंगे वो ये भी गुफ्तु करेंगे कि शीयों को कत्ल किया जाए तो पहली बात ये कि हमारे नज़दीक तो जितने भी इस्लामी फिरके हैं देवबंदी हो बरेलवी होल हदीस हो, हो बोरिंग हो, ख़ानी हों आबाज़ियाँ हों अलवी हों दरूस हों के अलावा भी अगर कोई हैं तो वो सब मुसलमान हैं जो भी कायिल है रसूल सल वसम की नबूत का हत नबूत का वो मुसलमान है अलबा कत इसके माना नहीं कि आपस में इलमी इख्तलाफात को डिस्कस न किया जाए कतन किया जाए लेकिन एक दोस्ती के माहौल में मोहब्बत के माहौल में और जब हमने कहा मुसलमानों के बारे में तो हम साफ ये बात कर देते हैं कि जो गैर मुसलिम हैं चाहे वो हिंदू हों बुद्धिस्ट हों कन्फ्यूश हों जैन हों और खसूस अदीन इब्राहिम यहूदी और ईसाई ये सब भी जीने का हक़ रखते हैं इलमी डिस्कशन होना चाहिए किसी को भी दीन की बुनियाद पर कत्ल करना या तोह है दीन के नाम पर जो पाकिस्तान में इस वह दहशत गर्दी का सिलसिला है कभी आसिया बीबी के लिए कभी एक बच्ची के लिए कि जिसको ये भी नहीं पता कि कुरान जो है वो किस ज़बान में है और सीधे हाथ से शुरू होता है या उल्टे हाथ से शुरू होता है उसको ना उर्दू और कुरान में फ़र्क समझ में आएगा ना किसी और चीज़ में कभी उसको कत्ल करने चले हैं कभी मियाँ बीवी को ईंटों के भट्टे में डालकर ज़िंदा ख़त्म कर दिया तो कभी मशल ख़ान को ख़त्म कर दिया तो अब एक बरेलवी बैंक मैनेजर को कतल कर दिया तोहन रसालत या तोह दीन के नाम पर इस कल्चर को तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए लेकिन इसमें शक नहीं कि ये कल्चर रसूल अल्लाह अल्लाम के बाद जब असाब रसूल अल्लाह बैत को कत्ल किया गया तो इसी कस्म के बहाने तराशे गए कत्ल करने के लिए मिल्कु... अब ये बात वाज रहे है कि जनाब हज़रत मालिक मिन नबैर रज्ल तहों के इस्लाम के जो सबूत हैं वो नाइन्टी नाइन परसेंट हैं एक परसेंट झूठी कस्म की बातें हैं कि जो बिल्कुल बेअसास हैं और उन सारी बातों को प्रोपोगेट किया गया खालिद खालिदबिन वलीद को बचाने के लिए और अपने पसंदीदा अफराद को बचाने के लिए और उनको बचाने के लिए वही तकफीलीत का सहारा लिया गया कि जो आज भी लिया जाता है या तोहन मजहब का सहारा लिया गया कि जो आज भी लिया जाता है और कहा जा सकता है कि अब के दरमियान मज़लूम तरीन ज़ात ज़ा मुक़दस है जनाब हज़रत मालिक अब नवैरा की और उनकी जोजा जनाब हज़रत लैला उम तमीम बिनते मिनहाल की और ये हम कह चुके हैं कि कितल कि आम बिल्कुल एक ग़लत चीज़ है इत्तफाक से वो इस्लाम की तारीफ़ या वो इस्लाम की तफसीर के जो अहल बैतम सलाम के मुक़ाबले में आई तो वहाँ पर तो कत्ले आम ही कत्ले आम है इतना कत्ले आम है कि खुद आले रसूल को कत्ल कर दिया गया तो पहली जो हम गुफ्तगू करें कि रसूल अलैहि वसल्लम के बाद उनकी आल पर जुल्म शुरू हुआ और उनकी आल के चाहने वालों को राफजी कहकर जो है वो कत्ल किया जाता था कत्ल किया जा रहा है ये जो बाज़ लोग राफजी कहते हैं तो हम उनसे पूछें कि राफजी के माना क्या हैं इस पर इंशाला तफसील से हम डिस्कशन करेंगे राफजी के माना है छोड़ने वाला तो छोड़ने वाला किसका छोड़ने वाला हमने छोड़ा कुछ लोगों को हाँ बिल्कुल छोड़ा अहलबैत के मुकाबले में जो आए उनको छोड़ा बुरे और मजम्मत वाले राफजी वो हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ छोड़ के भागे वो राफजी हैं पहले आप उन राफिजियों की मजम्मत करें और उनका भी नाम लें तो कहें वो राफजी थे और अगर राफजी से मुराद है कि जिन्होंने बाज अब से दुश्मनी की यह आप कहना चाहते हैं तो आप कहें कि जिसने हजरत मालिक अबन नवर रहा तु कतल किया उनकी बीवी की इज्जत को लूटा वो था राफी और जिन लोगों ने उस कत्ल को लीगलाइज़ किया वो थे राफ़जी और जिन्होंने मौला मौलाना अमीरू से जंगें की वो हैं राफज़ी अब यहां पर सवाल जब किया गया कि शिया दावा करते हैं तो पहली बात यह है कि शिया दावा नहीं करते ये दावा सब करते हैं छुपाया जाता है छुपाया क्यों जाता है ये तो खुदा बेहतर जाने इस वक्त आपके सामने एक रिवायत को बयान करते हैं ये रिवायत मुस्द अहमद इबन हम्बल जल्द नंबर छः सफ़ा नंबर एक सौ पंद्रह और हदीस नंबर है थ्री सिक्स वन सेवन ये रिवायत नकल हुई जनाब अब्दुल्ल अबन मसूस से और इसे हम इस वक्त सिर्फ़ एक रेफरेंस के साथ बयान कर रहे हैं इन तफसील पे पर इस पर अलग से गुफ्तू करेंगे इस रिवायत में आप फरमाते बिल्लास अ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلا أحب إلي أن أهلف واحدة وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا فإنه قسم کھانا <م attraction> کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل کیا گیا ये मुझे ज़्यादा महबूब है एक दफ़ा उस कसम खाने से कि जिसमें आपकी शहादत का इनकार हो क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको नबी मनतखब फरमाया है और शहीद करार दिया है आपको शहादत का दर्जा आता फरमाया है और आप उसके नीचे देख सकते हैं इसनाद हो सही दूसरा हवाला है मुस्रक के मुस्दरक का मुस्रक सही है जिल नंबर तीन सफ़ा नंबर फिफ्टी नाइन اور یہ روایت ہے جناب سے سمعت يقول والله ثم رسول الله و سم ابو بكر وقتل عمر بن خطاب صبرا وقتل عثمان ابن عفان ابو اس کے بعد وقتل علی بن أبي طالب اور امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت فی الحال ہم ڈسکس اس روایت میں اس موضوع کو کہ وہ ہیں والله ثم رسول الله अबर अब यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि ये वाला मौजू सिर्फ यूं का नहीं है हाँ मौजूद यह है कि शिया शहादत रसूल वसल्लम को खुल के बयान करते हैं गम मनाते हैं सारी दुनिया में और हमारे बरदरान सुन्नत को ये भी नहीं मालूम कि आप कब शहीद हुए और कोशिश की जाती है कि बारह रब्वल की खुशियों में आपकी शहादत को दबा दिया जाए छुपा दिया जाए और शहादत की जगह वफात कह के इंतकाल कह के पर्दा फरमा गए शहादत के मौजू को स्क्रीन से हटा दिया जाए कि कहीं लोगों के जहन में यह सवाल ना आए कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम अगर शहीद हुए तो क्यों शहीद हुए बिलाशक उनके बाद उनकी शहादत के बाद उनके कत्ल के बाद उनकी आल को उनके घर वालों को क़त्ल किया गया चुन चुन के कत्ल किया गया और ऐसा कत्ल किया गया कि सर सरनेज़ों को बुलंद किए गए और उनकी नवासियों को बाजारों और कूचों में फिराया गया और आज एक बहुत बड़ी तादाद उन कातिलों को उन जालिमों को सपोर्ट करती है और उन दुश्मनान ख़ुदा और अला दुश्मनान रसूल अल्लाह और दुश्मनान दुश्मन अहिलबैत सलातम के लिए रहमतुल्लाह अलैह भी कहने को तैयार है और कम अज़ कम यह है कि जो उनके कत्ल को छुपाया जाता है तो बस मालूम हुआ कि नफ़त आल रसूल के कत्ल को छुपाया जाता है बल्कि खुद कत्ल है रसूल अल्लाह को बाज़ हमारे लोग कहते हैं जी कत्ल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें तोहीन है तो याद रखें कि कुरान मजीद में भी अहतमाल दिया गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इरशाद हुआ अफ़ाइन माता व कोतला और इन दोनों इस रिवायत में भी वाज बयान हुआ कोतला कत्न कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हुए अब इसको कहा जाता है कि शहादत के दर्जे पर फायज हुए उर्दू में आमतौर पर कहा जाता है शहीद हुए लेकिन अगर कहा जाए कि कत्ल हुए तो इसमें भी किसी कस्म का को कोई तोहन का पहलू नहीं है मुमकिन है कोई कहे तोहन का पहलू तो जिसको भी इसमें तोहन नजर आ रही हो वो इस रवायत को देखे कुरान मजीद को देखे हाँ ये खुद एक तवील मौजू है कि इस बस जहाँ जहाँ दुनिया दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बन रहा है कैरिकेचर बन रहे हैं उन तमाम कैरिकेचर्स का दारो मदार सिहा और बाकी दीगर कुतुब अहले सुन्नत हैं कि जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ख़राब किया गया अब तफसील से इन मौजू को डिस्कस करेंगे कि खैबर में जहर दिया गया क्या ये इमकान है और इससे रिलेटेड मौजूद को डिस्कस किया जाए मुख्तसर सा बयान करें कि खैबर में जो जहर दिया गया और जिस औरत ने दिया वो मरहब की भतीजी या बहन थी और जब उसने जहर दिया तो इस दावे के साथ दिया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बच जाएंगे आपको खबर हो जाएगी और अगर बादशाह हैं तो आपके शर से हम बच जाएंगे मा और जब यह कहा जाए कि उसी जहर से आपकी शहादत हुई यानी रसूल सल्लाम की तो दर हकीकत ही है रसूल सल्लाम की तोहन है और उस औरत के ईमान को ख़राब करने वाली चीज़ है क्योंकि उसका क्या दावा था अगर आप नबी हैं तो बच जाएंगे और अगर आप बादशाह हैं तो मर जाएंगे तो चार साल के बाद भी अगर कहा जाए कि आपको जहर दिया गया तो दर हकीकत ये एक तोहन रसालत रसूल सल्ला वसलम है अब अगर कहा जाए कि ज़ातुलजम या आप अपनी शहरक के कटने की वजह से वतीन के कटने की वजह से दुनिया से रुखसत हुए तो ये भी तोहिन है इसे भी तफसील से डिस्कस करेंगे और कतअन ये तोहन रसूल अल्ला वम है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कत्ल के इम्कान क्या क्या हैं अब यह कहना कि क्या अम्बिया कत्ल हो सकते हैं तो याद रहें कि अम्बिया को कत्ल किया गया रसूलों को कत्ल किया गया असीर किया गया और इसी तरीके से रसूल अल्ला वसलम की शहादत का और कत्ल का खौफ हज़रत अबू तालिब को उनके बचपने से था लिहाजा वो उनकी जगहों को बदलते थे और जब खो गए थे तो हज़रत अबू तालिब और बाकी उनके भाई रसूल सल्लल्लाहु व वसलम को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें हमेशा रसूल सल्ह वसलम की जान का ख़तरा था और बहरा राहब भी रसूल अल्ला वसम के बारे में कह चुका था हज़रत अबू तालब को कि इस बच्चे को बचाना अब ये चीज़ जहन में रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी जंगें हुईं उन्हें कत्ल करने के लिए हुई फिर जब आप अकबा से गुज़रे तबूक से वापसी पे वहाँ पर आपको कोशिश की गई तो ये सादा मौजू नहीं है कि एक रिवायत को बयान कर दिया जाए कि हुज़ैफ़ा यमानी को, को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था हाँ बताया था लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा को और जनाब अम्मा यासिर को भी इल्म था वो हत्ता उन अफराद की सवारियों को पहचान चुके थे और इसके अलावा भी ये इतना सादा मौजू नहीं है कि ऐसे गुजर जाया जाए ये एक पूरा तवील मौजू है और इन शाला इन चीज़ों को बयान करना चाहिए कि खसूस सुन्नत में अकबा के हवाले से तबूक के वापसी पर जो कत्ल रसूल अल्लाह सल्ला वसलम का कुछ मुनाफ़ी ने इरादा किया तो इस बारे में क्या क्या मौजूत हैं वो सबकुल के सामने आना चाहिए इन मौजूद को बयान करने का हदफ़ यह है कि अगर ये कभी किसी ने देख लिया किसी शिया किताब में तो कहा जाता है जी शियों ने इसको नकल किया है तो हम बता दें शियों ने नहीं किया ये सब अहल सुन्नत ही ने नकल किया है हमारे बरदरान अहल सुन्नत के बहुत सारे उल्मा ऐसे हैं कि जो मीडिया गेम में बड़े माहिर हैं जिस वक्त चाहते हैं राई का पहाड़ बना देते हैं जिस वक्त चाहते हैं फितना कर देते हैं जिस वक्त चाहते हैं कत्ल के लिए बाज़ार गर्म कर देते हैं मिसाल के तौर तो पर शीयों को कत्ल कराते आए कि शीयों का कुरान बकरी खा गई जबकि ये रवायत हमारे यहाँ नहीं है ये रवायत हजरत आयशा से नकल हुई लेकिन कितनी महारत से उन्होंने लाखों करोड़ों शीयों को कत्ल कर दिया एक ऐसी रवायत की बुनियाद पर कि जिसका वजूद हमारे यहाँ नहीं है और न फ़क्त हमारे यहाँ वजूद नहीं है बल्कि इसका वजूद उनके यहाँ है और सही रवायत की सूरत में है अब एक और जो अहम तरीन मौजू है वो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के बाद पूरे उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया यहाँ से पता चलता है कि जब पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी खुद उनको भी शहीद किया गया होगा अब ये देखते हैं कि कौन लोग उन्हें शहीद कर सकते हैं पहली बात यह कि देखना होगा कौन वो लोग थे कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज़ होते थे उनके हुकुम को मानने में तरद करते थे उनकी मुखालफत करते थे उनकी मुखालफत में मशवरे देते थे इसी तरीके से उस ज़माने के जो अहली किताब उनके दुश्मन थे उनसे उनके ताल्लुक थे कुफ़ार क्रैश से उनका ताल्लुक था और फिर एक चीज़ कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी शरीयत को बदला और बदलने के बाद खसूस ज़माने जाहिलियत के हुक्म को पलटाया शरीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तो यहाँ से भी पता चलता है कुछ मुनाफिक ऐसे थे कि जिन्होंने पावर हासिल करने के बाद शरीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला ये सारे वो क़राइन हैं कि जब भी तहक़ीक़ की जाती है तो इन चीज़ों को देखा जाता है और मालूम किया जाता है कि क्या क्या मुमकिन है और कौन कौन लोग क्या क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ हजरात ने यह फरमाया कि अम्बिया कत्ल नहीं हो कत्ल नहीं हो सकते दलील के तौर पर क्या है तो उन सारे मौजूद को हम डिस्कस करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि असल मौजू क्या है तो यहाँ पर जिस आयत को पेश किया जाता है वो है सूर्मादा की आयत नंबर सिक्सटी सेवन या युहर रसूल बल्ज का मिनका बल रसालत हो कौमल काफी इस आयत में कि अल्लाह सुबहान हुक्म है कि ए मेरे हबीब ए मेरे रसूल पैगाम पहुँचा दो जो तुम्हारी जानब आया है अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुँचाया तो ऐसा है जैसे तुमने पैगाम रसानी का काम ही अंजाम नहीं दिया खुदा तुम्हें लोगों से बचाएगा इन ला यह दिल कोमल काफ्रीन और खुदाबंद वालफरों की हिदायत नहीं फरमाता तो यहां पर याद रहे कि वाह आसम का मिनन्नास इससे यह मुराद है कि आप कत्ल नहीं होंगे तो यहां पर तो मुतलक है कहां लिखा है कि सिर्फ यह कत्ल के लिए या आसमों का मिनन्नास यानी इंसानों से किसी कस्म का भी नुकसान नहीं होगा यह मुराद है यानी वो जो आपके यहाँ रवायात हैं कि आपको जादू हुआ उसकी भी आपको नफी करनी चाहिए फिर खैबर से वापसी पे जो जहर का मौजू है उसका भी इनकार करना चाहिए इसकी वजह से तो यहाँ पर तो इतलाक है लेकिन असल मौजू यह है कि यहाँ पर यह अस मौका में नन्नास यानी आप पैगाम इलाही पहुँचाने में कामयाब रहेंगे पैगाम पहुँचा दें अब ये आयत गदीर के बाद नाजिल हुई इस मौजू को इस, इस वक्त नहीं कर रहे असल मौजूद है वल्लाहु या अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा पैगाम पेगा को पहुंचाने में अब इसके मुकाबले में जो आयत पेश की जाती हैं और इसकी ताइत के लिए जो आयत पेश की जाती है तो कहा जाता है कतब तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अला बन्ना से कहाँ यह साबित है कि कत्ल नहीं होंगे यहां पर तो मुराद ये है कि आपका गलबा रहेगा किसका गलबा रहेगा अल्लाह का और रसूल का रसूलों का तो क्या अंबिया का नहीं रहेगा अंबिया का भी रहेगा ये यह भी चीज जहन में रहे कि अंबिया सलाम कत्ल भी हुए इस आयत में वाज कि किलिब रहेंगे यानी उनका पैगाम गालिब रहेगा अम्बिया कत्ल हुए और रसूल भी कत्ल हुए दलील क्या है वो आपके सामने बयान करते हैं लेकिन बताते चलें हज़रत याहिया कत्ल हुए कि नहीं हुए हज़रत दानियाल असीर हुए बहुत सख्त मौजूद असीरी का हज़रत हिस्कील असीर हुए उनके अलावा अम्बिया कत्ल हुए दरबदर हुए मालब लूटा गया जुल्म किया गया मारा गया पीटा गया सब कुछ हुआ अंबिया के साथ तो यहां पर मुराद लाना यानी हक गिब रहेगा आया रसूलों को कत्ल किया गया तो जवाब के तौर पे आपके सामने बयान करें सूर बकरा की आयत नंबर 87 सेवन अफकुल्लम जाकुम रसूल इस तकबर तुम व फरीकन का जब तुम व फरीकन तख्तलून के जब भी तुम्हारे पास रसूल आए कि जिन्हें तुमने पसंद नहीं किया तो तुमने उनके मुकाबले में अकड़ दिखाई इस्तकबार किया इस्तकबार तुम फफरी का जब तुम तो कुछ को तुमने झुटलाया और कुछ को कत्ल किया किन को कत्ल किया रसूलों को कत्ल किया बस ये कैसे कहा जा सकता है कतबल्ल अगले बन अना व रसूली तो इस गलबे से मुराद ये है कि आप कतल नहीं होंगे इस आयत से तो वाजह है कि रसूल कत्ल हुए अब हम असल आयत की जानब आते हैं कि जिसे हमने सरनामे क़लाम करार दिया वमा इल्ला रसूल खलत मिन कबल रसूल अफ़ा इन माता औतला तो इस आयत में कम अज कम यह है कि अल्लाह सुबहानहु व सुबहाना तरशाद फरमा रहा है आफ़ा इन माता के इमकान है यहाँ इम्कान नहीं है बल्कि यहाँ तो है कुल्ल नफसायतुल मौत यानी आपने दुनिया से जाना तो है आफ़ा इन माता यहाँ पर मौत है किसके माना में तब तरीके से आफा इन माता औ कोतला या ये कि आपको कत्ल किया जाएगा तो इस आयत में अल्लाह सुबहाना इस इम्कान को जाहिर कर दिया बस ये जो कहा जाए वल्लह आस म कामिनन्नास वाह मिनन्नान्नान्नान्नान्नान्नास इस माना में नहीं है कि आपको कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि इस आयत में इम्कान जाहिर हो गया अफाइन माता को कोतेला लेकिन यह चीज जहन में रहे कि इसके बाद जो है अल्लाह सुबहाना वाल का पैगाम वो क्या है ये उन भागने वालों के लिए खसूसा आयत है कि जो रसूल अल्लाह सल वसल्म की शहादत का सुन के अहद में भागे अब ये जो आप फरमाएं कि ये रसूल शहीद नहीं हो सकते सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों भागे थे वो भी सोच लेते कि नहीं हो सकते शहीद उन्हें नहीं मालूम था कि अम्बिया शहीद नहीं होते ये ओल अज़म पैगम्बर शहीद नहीं होते तो उनका भागना जो उन्होंने एक चना जस्टिफाई किया कि जी हमें आवाज़ आई कि रसूल अल्लाह सल वाल शहीद हो गए खैर अब उस भागने को भी कहा जाता है वो एक फितरी तकाजा था तो फिर तो नौजवान जो गुनाह करते फिरते हैं वो तक है हर गुनाह को हर जुल्म को इस तरीका जिस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो अल्लाह सुबहान तलाए तुम यह तभी तरीके से दुनिया से जाएंगे या इन कतल कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम लोग तो पलट जाओगे एहतमाल है पलटने का नहीं है तो मालूम हुआ कि बहुत सारे लोगों के पलटने का इम्का, इ, आ, इम्कान है खूस उन लोगों के पलटने का इम्कान है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के भागे क्योंकि इस आयत में खसूस वो लोग मुखातब हैं, हैंमूम सब मुखातब हैं खूस वो लोग मुखातब हैं अब यहाँ पर जहन में रहे कि इस आयत में जो हैरफ अव है अफाइन मात अव को और बाज दफ़ा आता है तकसीम के लिए बाज दफ़ा शक के लिए बाज दफ़ा तखीर के लिए बाज दफ़ा इजराब के लिए इजराब से क्या माना बल के लिए बल से क्या मुराद तो ये आपके सामने मिसालें पेश कर देते हैं मिसाल के तौर पर सूरह बकरा ही में आयत नंबर सेवेंटी फोर में अल्लाह इरशाद है सुबहान तरशादु मकसद और इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जैसे या उससे ज्यादा सख्त यानी अल्लाह सुबहाना तआला को शक हो रहा है या उससे ज्यादा सख्त नहीं तो यहां पर ओ बेमान बल है फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा और सलीस तरजुम किया जाए तो कहा जाएगा तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जैसे पत्थर जैसे नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा या तर्जुमा किया जाएगा फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा इसी तरीके से सूर्य नजम में अल्लाह सुबहाना तैयार का इर्शाद हुआ सुमदना फ़काना फिर आप करीब हुए और करीब हुए यहाँ तक के दो कमान के बराबर या नहीं बल्कि उससे भी करीब अल्लाह सुबहाना को तरदीद या शक नहीं है बल्कि उससे भी करीब इसी तरीके से इरशाद हुआ अल्लाह सुबहाना ताल का सूर साफ़त वन में हजरत यूनस के लिए वारियतून के हमने यानी जनाब यूनुस के लिए इर्शाद हुआ कि हमने यूनुस को भेजा एक लाख की तरफ या उससे भी ज्यादा नहीं इसका तर्जुमा होगा हमने जनाब यूनुस को भेजा एक लाख बल्कि उनसे भी ज्यादा लोगों की जान और अगर तर्जुमा किया जाए दूसरा हमने हजरत यून हमने जनाब यूनुस के लिए इर हुआ हमने यूनुस को भेजा एक लाख नहीं बल्कि और ज्यादा लोगों की वल-अर्ज वैबाव नहल आयत नंबर सेवेंटी सेवन वह कैबावल बसर अक्रब ये क्यामत करीब है कितनी पलक झपकने के बराबर या उससे भी करीब नहीं यहाँ पर जो सही तर्जुमा है ओ बेमाना इजराब है बेमाना बल ओ इजराब के लिए है ओ बेमाना बल कि कयामत करीब है पलक झपकने के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा करीब है तो यहाँ पर जो ओ है अफाइन माता कोतेला तो यहाँ पे कहा जाएगा अगर इसको एहतमाल की बुनियाद पर लिया जाए तो क्या होगा माना या आपको तबई मौत आएगी या कत्ल कर दिया जाएगा इम्कान तो है लेकिन अगर औ बेमाने बल लिया जाए तो हो जाएगा वमा मोहम्मदन रसूल कद खलत मिन कबल रसूल अफ इन मात औओ कोतला यानी आपको तबई तरीके से नहीं बल्कि कत्ल किया जाएगा अगर औ बेमाने बल लिया जाए और नतीजा क्या होगा जो भागने वाले हैं उनके लिए तमाम मुसलमानों को इतला दी जा रही है कि तुम लोग पलट जाओगे इनकलब तुम अला आका तो ये दोनों इम्कान हैं तो हम दूसरे वाले मौजुपे के अओ माना बल ये ज़्यादा इस्तेमाल कभी है लेकिन ये नहीं कहते कि सदर सदाब यही लें लेकिन ओ किसी भी माना में लिया जाए तो इम्कान कत्ल रसोल्ला सल्ल वसलम ख़ुद कुरान ही से साबित है अब यहाँ पर हम वाक़ लुदूत को इस वक्त बयान नहीं करेंगे हदीस उदूद को इन शाला तफस से बयान करेंगे सिर्फ एक रवायत नहीं है इसके जवाब में बहुत गुफ्तु है और ये सब करनी होगी ताकि किसी वक्त भी हमारे ख़िलाफ़ इसको मिस यूज़ ना किया जाए इसी तरीके से वाक़ क्रतास को भी तफसील से डिस्कस करना होगा इसी तरीके से जैश उसामा को बड़े तफसी से डिस्कस करना होगा कि क्या मामल थे क्या आपने हुकुम फरमाया कैसे रसूल अल्ला वसलम शाद फरमाए ला तखलफा अनजाइशामा कि खुदावन तबारक वाली की लानत हो उसामा की जैश से मुँह मोड़ने वालों पर लेकिन हदीस लुदूद में देखें और किरतास में देखें तो बड़ी अजीब बात नज़र आती है इसी पर गुफ्तु को ख़त्म करते हैं कि हदीस किरतास में आप फरमा रहे हैं कि मुझे क़लम और दावत मुझे कलम दे दो और किरतास दे दो तो वहाँ पर कहा जा रहा है इन कदल बहुल वज ओ कहा जा रहा है इन्हू लहजुर्ुर या कहा जा रहा है इनजुर्ुर गलत बात की नस्बत दी जा रही है तोहन की जा रही है यानी वहां पर आप मांग रहे हैं तो दिया नहीं जा रहा और हदीस लुदूद में आप फरमा रहे हैं अलम अनहाकुम क्या मैंने मना नहीं किया था फिर वहां पर आ रहा है अल्लाह तदूनी के वो इशारा कर रहे थे कि मेरे मुंह में ना डालो यानी इशारा फरमा रहे हैं कि ना डालो और उससे पहले फरमा रहे हैं कि मेरे मुंह में कुछ ना डालना बड़ी अजीब बात है वो कह रहे हैं ना डालना तो डाल रहे हैं वो कह रहे हैं दे दो तो दे नहीं रहे आखिर में कहा जा रहा है वो बशरी तकाजे के तहत उन्होंने सोचा कि जी रसूल आ, क्या सोचा है रसूल को अफराद को बचाने के लिए रसूल को कुर्बान किया जा रहा है इन शाला इन तमाम मौजूद को डिस्कस किया जाएगा हमारी गुजारिश है कि हर मौजू को से डिस्कस किया जाए और किसी भी एदवार से कतलेआम का बाज़ार नफरतों का बाजार गर्म ना हो क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद हम पर हमला किया जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ हमारे यहाँ कभी बयान होता है या होगा या हो रहा है वो हम वाजह बताएँ कि यह हमारा मौजू नहीं है ये वाला मौजू तमाम आलम इस्लाम का है और हमारे बरदरान सुन्नत की भी किताबों में भी, भी है खुदा वंदबारकाली तमाम मुसलमानों को मोहब्बत के साथ और तमाम अदियन को मोहब्बत के साथ रह कर एक दूसरे के करीब आने एक दूसरे के नज़रियात को समझने की तोफ़ी ख़तः फरमाएँ व आलिहि ताहरीन